सो गाइस आप लोकेशन देखो कितनी डेंजर सी लोकेशन है गाइस, अगर यहाँ पर कहीं गाड़ी बंद हो जाए रात में, अभी तो दिन है तो अभी तो कुछ डर नहीं है, रात में बंद हो जाए तो आप सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है गाइस। देखो देखो मैं पूरा दबा रहा हूँ गाइस, लेकिन फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही थी गाइस, ऐसे ऐसे कर दिए गाइस। सो हे गाइस वेलकम बैक माय चैनल, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। सो गाइस सुबह सुबह का टाइम था गाइस, कल तो हम मतलब लेट हो गए थे, मतलब दाँत वगैरह खाई वगैरह थी, तो इस वजह से जो हम इस काम के लिए आए थे यहाँ ननसार, तो वो काम हमने कर नहीं पाया था, आए थे कल रूखड़ी लेने के लिए, लेकिन हम कल ले नहीं पाई थी। तो गाइस अभी सुबह सुबह हम उठ के आ गए थे डायरेक्ट खेत पे गाइस, और वो रूखड़ी लेने के लिए गाइस, तो हम वो रूखड़ी ले कर भी आ गए गाइस, और हमने वो मोटरसाइकिल के बैग में भी धर दिया गाइस। तो आपको रूखड़ी दिखाते सबसे पहले तो। सो गाइस ये है कि वो रूखड़ी आप देख सकते हो, देखो गाइस ये है वो रूखड़ी गाइस। तो गाइस मैं बता दूँ ये आती है पथरी वगैरह के काम में आती है गाइस, इस वजह से ये रूखड़ी हमारे गांव में पहले थी लेकिन अब नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो गाइस ये रूखड़ी हमने जर जर निकाल ली, आप देख सकते हो ये पूरी रूखड़ी हमने निकाल लिया है। सुबह सुबह हम आ गए थे फावड़ा लेके, तो गाइस फावड़ा भी हमारा ये रखा, क्योंकि ना इसकी जर काफ़ी नीचे होती है तो निकलती नहीं, तो इस वजह से हम फावड़ा लेके आए थे गाइस। ऐसा अभी हम घर पे पहुंचेंगे, घर पे चाय वगैरह पी के ना उसके बाद हम अपने घर के लिए निकलेंगे गाइस। तो गाइस यार बस हम इतना ही काम करने के लिए यहाँ पे दिन दूर आए थे, हमारे गांव के और पास ये पेड़ कहीं मिलता नहीं, और ये यहीं पे पेड़ है, यहाँ पे भी काफ़ी छोटा पेड़ था गाइस, तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा अंदर घूम घूम के जाना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा गाइस। तो लेकिन हम अपनी ये वाली चीज़ लेके आ गए गाइस, तो फटाफट से घर से निकलते अपने घर के लिए गाइस, तो मिलते आपको अपने गाँव में ही। सो गाइस फाइनली अपने ननसार से हम निकल आए थे और जा रहे थे अपने गाँव में गाइस। तो गाइस हम वहाँ थे तो 2-4 किलोमीटर अच्छी तरह से निकल आए गाइस, लेकिन एकदम से ना यहाँ पर बीच में गाड़ी बंद हो गई, पता नहीं कैसे 2-3 झटके लिए और पटक से बंद हो गई गाइस। तो गाइस यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा चारों तरफ मतलब, और गांव भी काफ़ी दूर दूर है गाइस, अब मेरा ये दिमाग ख़राब हो रहा है कि चालू कैसे हो गया इस, काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ पता नहीं चालू नहीं हो गया, स्पेयर वॉल भी है गाइस, और गाइस मैं प्लग का थोड़ा टाया नहीं, तो प्लग भी सही होगा इसका अंदर की तरफ है, और गाइस कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसे बंद हो गया इस। यहाँ की मैं लोकेशन दिखाता हूँ कितनी डेंजर सी लोकेशन है गाइस, और मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है ऐसी जगह पर, अगर मैं यहाँ पर फंस गया ना गाइस तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब होने वाला है ऑलरेडी। तो गाइस मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ गाइस, देखो देखिए तरफ ये नदी है गाइस, तो गाइस यहाँ से देखो गाइस ये कितनी पुरानी नदी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा पुरानी नदी है गाइस, ये देखो गाइस। तो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, ये नदी है देखो चारों तरफ से गाइस, इधर का एरिया देखो, इधर डेंजर सा एरिया गाइस, बहुत ज़्यादा डेंजर सा एरिया गाइस, ये देखो ये पुल है गाइस। सो गाइस आप लोकेशन देखो कितनी डेंजर सी लोकेशन है गाइस, अगर यहाँ पे कहीं गाड़ी बंद हो जाए रात में, अभी तो दिन है तो अभी तो कुछ डर नहीं है, रात में बंद हो जाए तो आप सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है गाइस। देखो लोकेशन देखो है ना डेंजर सी लोकेशन है, पेड़ पेड़ है, किधर भी गांव नहीं दिख रहा गाइस, अब ये सारा फूल है गाइस। मैं इधर की तरफ दिखाऊँगा गाइस, तो ये है हमारी बाइक जो स्टार्ट नहीं हो रही गाइस, और इसकी तरफ दिखाता हूँ इसमें देखो गाइस इधर की तरफ भी ना नदी है गाइस, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ गांव तो कहीं पे दूर दूर तक है ही नहीं गाइस, आप देख सकते हो दूर दूर तक कहीं पे अभी गांव ऑलरेडी है नहीं है गाइस। तो गाइस यार अब मैं ना इसको स्टार्ट करके फिर से देखता हूँ गाइस, देखो गाइस ऐसे कर रही है गाइस, स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही गाइस। सो गाइस आपको हम चेक करा दें, देखो क्या कर रही गाड़ी यार, देखो देखो मैं पूरा दबा रहा हूँ गाइस, लेकिन फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही, देखो गाइस ऐसे ऐसे कर रही गाइस, तो मुझे कुछ तो कुछ गड़बड़ दिख रही है गाइस, देखो गाइस मुझे गड़बड़ ये दिख रही है गाइस, इसका सेल्फ वगैरह शायद नहीं मान रहा, तो मैं काफ़ी देर से सेल्फ से मार रहा हूँ गाइस, तो ये सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही, तो गाइस अपना मैं एक बार किक मार के देखता हूँ शायद किक से स्टार्ट हो जाए, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इसका ये रात भर ठाड़ी रही थी, तो ऐसा लगता है इसकी बैटरी वगैरह चार्ज नहीं है, इस वजह से ये सेल्फ मार नहीं रही। तो गाइस ना मैं इसका मतलब किक मार के देखता हूँ होती है या नहीं होती गाइस, मार के देखता हूँ गाइस। अरे यार ये अब भी नहीं हो रही गाइस, अबे ऐसे नहीं हो गया इस, मुझे ना पूरी तरफ से जाना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा तब वो दिखता हूँ। सो गाइस यार किक मारते ही ना फाइव टाक से स्टार्ट होगी गाइस, देख लो गाइस अब भी चल रही है गाइस, रेस देता हूँ। तो गाइस ये मैंने जैसे किक ना मारी तो ही स्टार्ट होगी गाइस, यार मैं मुझे लगता था कि सेल खराब हो रहा था गाइस, सेल भी खराब हो रहा था इसका, किक मारते फटाक से स्टार्ट होगी गाइस ये। तो गाइस ना अब फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई किक से, पता नहीं आगे होती है नहीं होती गाइस, अभी भी चालू है ऑलरेडी गाइस, तो फटाफट से निकलते हैं नहीं तो पता नहीं कब बंद हो जाएगा गाड़ी, चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं, और घर के बाद ना अपने खेत पर भी हम आ गए गाइस अपनी ननसार से गाइस। सो गाइस यार मैं बता दूँ ना मैं घर पर ज़्यादा शूट नहीं करता, क्योंकि ना घर पर परेशानी वाला माहौल चल रहा है, और मम्मी वगैरह परेशान है, और रिश्तेदार वगैरह आते रहते हैं, तो इस वजह से मैं घर पर बिल्कुल शूट नहीं करता अभी, बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से मैं
आ तो गया था दो दो तीन घंटे पहले ही गाइस। तो घर पे ना मैं सो गया था गाइस, नींद आई थी काफ़ी तेज़, तो मैं सो गया था गाइस। उसके बाद जैसे मैं उठा ना तो मेरे को काम बता दिया गया, क्योंकि अभी खेत में पानी लग रहा है गाइस, तो घर से बोल दिया कि जाके भरा भरा चेक करके आओ, पानी लग जाएगा खेत में या नहीं लगेगा। तो गाइस फिर मैं घर से चलाया भरा भरा चेक करने के लिए, तो भरा भरा सारा चेक हो गया है, मतलब सही है ऑलरेडी भरा, कहीं दिक्कत नहीं गाइस। अभी आपको दिखाएंगे एक आध जगह दो जगह दिक्कत है, उसके बाद भरा पूरा रेडी है, मतलब बढ़िया है गाइस। लेकिन गाइस आज हमारे साथ जो पोपट हुआ नहीं था बाइक, वो ख़राब हुई थी ना गाइस, गाइस तुम्हारी कसम गाइस, वहाँ पे ना कोई भी नहीं था, चारों तरफ आपने देखा था कितना डेंजर सा एरिया था, बहुत ज़्यादा डेंजर सा। लेकिन गाइस मेरा दम घुटने लगा था वहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम गाड़ी बंद हो गई गाइस और कोई भी नहीं, ऐसा लग रहा था एक गाड़ी लेकर गई थी वहाँ से, मुझे ऐसा लगा था कहीं ये गाड़ी मेरी छीन ना ले थप वगैरह मार के। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी गाड़ी ना मैं जब से सैलम मार रहा था ना तो स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि ना उसमें ना पता नहीं अंदरूनी कोई कमी आ गई, तो मैंने किक मारी ना फटाक से स्टार्ट हो गई गाइस। तो गाइस हम फाइनली घर पर अभी पहुंच गए गाइस अच्छी तरह गाइस। तो गाइस सबको भरा चेक कराते हैं, भरा में क्या प्रॉब्लम है गाइस। तो गाइस मैं बता दूं, भरे में ये प्रॉब्लम है गाइस, देखो हमारा पानी आता है इधर से चल के, तो इधर से चल के आता है ना तो हमारा हमारा खेत पड़ जाता है ये, तो इधर की साइड जाता है हमारा पानी और बह जाता है और दूसरे खेत में आता है इधर की साइड। तो गाइस मैं ये चेक करने आया था, क्योंकि ये जो भरा है ना गाइस, अब मैं इसको खोलूंगा तभी तो इधर की साइड पानी जाएगा, पर इसकी मिट्टी डालूंगा इस वाले कोने में, इसको बंद करूंगा इससे इधर पानी ना जाए। और गाइस एक चीज़ और, वो बहुत चीज़ करनी, वो गाइस वो वाली जगह रोकनी गाइस, वो जो दिख रही है, क्योंकि बेकार, मतलब इधर से पानी लगाएगा ना तो फिर इधर से बढ़ जाएगा पर इधर पानी नहीं जाएगा गाइस। और वैसे भी ना गेहूं वगैरह मेरे ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो गाइस इस वजह से ना मैं इधर से पानी लगाऊंगा गाइस। तो मैं लाइटिंग वगैरह डिब्बा भी भर के लाया था, क्योंकि ना वहाँ पर मैं गया था दो दिन, लाइटिंग वगैरह करी नहीं थी मैंने गाइस, थोड़ा सा डेंजरस है गाइस। और फावड़ा भी यहाँ पर है नहीं गाइस जिससे मैं रोक पाऊँ, क्योंकि जिस समर का पानी आता नहीं वहाँ पर फावड़ा था गाइस। लेकिन अभी ना मुझे बिना वो ना घर पे है तो वहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो फावड़ा नहीं मिल पाएगा इस, तो मुझे अभी ना घर जाना पड़ेगा और सुबह जब पानी लगाऊँ ना तो एक घंटे पहले आऊँगा और अपना भरा वगैरह सेट कर लूँगा। तो इस चलते हैं लाइटिंग करने के लिए, पहले तो उस तरफ जिस तरफ मतलब खेत खाली है गाइस। सो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली है, खेत की तरफ आया था अभी मेरे को देखने को मिली है, जो मेरे खेत में भरा से पानी जाता ना गाइस वो सारा जुता हुआ पड़ा है, क्योंकि ना उसमें सरसों थी तो सरसों काट के घर ले गए और अगर उन्हें भरा भरा सारा जुतवा दिया गाइस, और मेरा पानी अभी लग भी नहीं पाया। तो गाइस आपको दिखाते हैं, ये मेरे को देखने मिला टोटली भरा, देखो जुत रहा है गाइस। तो गाइस इसके पल्ले वाला खेत है उसमें भी जुत रहा है गाइस, तो आप सोच सकते हो कि मुझे ये भरा दोबारा से बनाना पड़ेगा फावड़े से किससे, जब मेरे खेत में पानी जाएगा गाइस। तो गाइस मैं नहीं बनाऊंगा इस भरे को, क्योंकि ना पहले ना वो वाला खेत है वहाँ पर गाइस, उस खेत में पानी लगेगा पहले, वो बनाएगा गाइस, वो लगा लेगा ना उसके बाद मैं लगाऊंगा गाइस। तो गाइस यार मैं सोच रहा था कल पानी लग जाता लेकिन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना देख सकते हो टोटली बिगड़ा हुआ भरा है गाइस, और पल्ले वाले खेत में भी बिगड़ा हुआ है गाइस। तो गाइस ये प्रॉब्लम मुझे अभी देखने को मिली है गाइस, देखो इधर से रास्ते पानी जाता था लेकिन अब नहीं जा पाएगा गाइस, देख के मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है गाइस। तो गाइस अब ना पहले जो दूसरा खेत है ना वो पानी लगाएगा, वो भरा भरा सेट कर देगा, उसके बाद हम कर लेंगे और हम लगा देंगे पानी गाइस, ये सही रहेगा गाइस। तो गाइस अब ना कल तो पानी लग नहीं पाएगा मेरे को लगता है, परसों ही पानी अब मिलेगा गाइस, देखते हैं कब मिलता है पानी गाइस। सो गाइस यहाँ पर हमें हो गया बहुत टाइम खेत पे और दिन सा भी मुझे लग गया गाइस। तो गाइस अब ना हम घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है गाइस, क्योंकि सुबह से अब तक का बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है गाइस। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, आई होप ब्लॉग पसंद आया हो, तो गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग गाइस, सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग।